कहीं ना कहीं देखिए प्रिकॉशंस हर व्यक्ति को रखना पड़ेगा। जो ओमिक्रॉन है ये 6 से 7 गुना ज़्यादा संक्रमित है, संक्रमण जब कई गुना ज़्यादा रहता है तो डेफिनेटली केसेस ज़्यादा आने की पूरी वो आशा रहती है। जो केसेस बढ़ रहे हैं इसके लिए हम लोग तैयारी है, हम लोगों की अभी हॉस्पिटल में एडमिशन्स नहीं बढ़े हैं। पूरा चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हॉस्पिटल में एडमिशन्स किस प्रकार से बढ़ रहे हैं। ऐसा कोई भी पेशेंट अभी नहीं आ रहा है जो ओमिक्रॉन से, बहुत ही कम पेशेंट हैं। वो भी पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कोमोर्बिडिटी है, अन्य कॉम्प्लिकेशंस हैं, बाकी सभी लोग अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके होम आइसोलेशन में सभी ठीक हो रहे हैं। जिस दिन अगर अस्पतालों में अब ये ट्रेंड क्या रहेगा वो आने वाला वक्त ही बतलाएगा कि अस्पतालों का एडमिशन्स का रेट क्या रहने वाला है। अभी कल की स्थिति में 115 पेशेंट्स अस्पताल में थे, किंतु अगर ये संख्या बढ़ती है तब डेफिनेटली एक थोड़ा एक चिंता करने की बात होगी। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग वॉच कर रहे हैं, प्रतिबंध कम से कम लगाए गए हैं, किंतु जो भी प्रतिबंध अभी लगाए गए हैं उन सब प्रतिबंधों पे सभी को बड़ी जिम्मेदारी से पालन करना चाहिए, चाहे जो भी समाज का वर्ग हो या जो भी संगठन हो, ग्रुप हो। अगर हॉस्पिटल एडमिशन की संख्या में कोई एक अलग से किसी, जैसे सेकेंड वेव में हुई थी, तेज़ी से बढ़ोतरी नहीं होती है तो डेफिनेटली हम सभी इस जो थर्ड वेव को एक सुरक्षित रूप में निकालने में सफल होंगे। सर,